हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है एक पावर बैंक का मॉड्यूल सर्किट। मैं आपको इस वीडियो में पावर बैंक के मॉड्यूल सर्किट के बारे में बताऊंगा और ये मॉड्यूल सर्किट खराब हो चुका है और इसमें कौन सा कंपोनेंट खराब है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उसके बारे में आपको समझा दूं। सबसे पहले इसमें आईसी लगा हुआ है जो कि 8 पिन की आईसी है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसके वैल्यू को बताने की कोशिश करूंगा, ये आप देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। ये रहा इस आईसी का नंबर है, थोड़ा सीधा करके देख लेते हैं। इस आईसी का नंबर है ETA 9640 5102A और लास्ट में E लिखा है 5102AE और ऊपर में लिखा है ETA 9640। इस प्रकार आईसी के नंबर लिखा है और यह यूएन से मेंशन है। और कुछ एसएमडी पैकेज में जैसे कि कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका वैल्यू का मेंशन है C7 C8 कैपेसिटर वैल्यू और C3। और कुछ एसएमडी पैकेज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं R21 R7 जिसका वैल्यू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। R21 का वैल्यू है 101 और R7 का वैल्यू है R050। और एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है जिसका वैल्यू का मेंशन है 2R2। ये हमारा एक इंडक्टर कॉइल है, ये आप देख सकते हैं। और हमारा टिप साइज में एक LED लगा हुआ है जो कि टार्च का काम करता है। यह हमारा 5mm का LED है और वाइट LED है, सफेद कलर का जलता है। और यहाँ पास एक स्विच दिया गया था जहाँ आपको की देखने को मिल रहा है, वह स्विच खराब हो चुका था जिसके कारण मैं इसको निकाल लिया था। और यहाँ पास एक फीमेल USB कनेक्टर लगा था, वो भी खराब हो चुका था जिसके कारण मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था। इस PCB सर्किट में दो चीज खराब है, एक स्विच जहाँ की लिखा हुआ है और फीमेल USB पोर्ट। ये आप देख सकते हैं फीमेल USB खराब हो चुका है जिसके कारण मोबाइल को चार्ज नहीं कर पा रहा था। और ये हमारा PCB ओके कंडीशन में है, बस इसमें दो चीज़ खराब है, एक स्विच और फीमेल USB जैक जिसके कारण मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था, इसका कनेक्टर खराब हो चुका था। और बैक साइड में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी SMD पैकेज में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और IC लगे हुए हैं
जो आईसी का पिन है, 14 पिन की आईसी लगा हुआ है और इसमें वैल्यू का मेंशन नहीं है, इसमें आईसी का नंबर शो नहीं है। अभी आप भी खुद देख सकते हैं इसमें आईसी का नंबर गायब है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए यह हमारा जैक है, कनेक्टर है जो मोबाइल चार्जर से चार्ज करते हैं, मोबाइल के चार्जर से चार्ज करते हैं बैटरी को। और यह हमारा बैटरी का माइनस पॉइंट है और यह हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर चार्जर इंडिकेटर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं D1, D2, D3, D3 और D4, इसमें टोटल चार इंडिकेटर लाइट लगा हुआ है, जिसके कारण जैसे जैसे बैटरी चार्ज होता है उसी के हिसाब से ये लाइट जलता है, एलईडी लाइट। और SMD पैकेज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं R2, R5, R4 और कैपेसिटर भी लगा हुआ है C4। R3, R1 आप बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं कि ये चार्ज हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सर्किट ओके कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस PCB सर्किट में बैटरी को कनेक्ट करके देखता हूँ और मोबाइल के चार्जर से चार्ज करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं सोल्डरिंग आयरन से इसको बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ इस PCB सर्किट में, फिर इसके बाद चार्ज करके देखता हूँ और उसके बाद इसमें एक नया स्विच लगाकर एक बार चेक करता हूँ। ये हमारा लिथियम आयन बैटरी है जिसका वोल्टेज है 3.7 वोल्ट और ये हमारा टोटल पैक 6000 mAh का बैटरी है। 1 बैटरी 2000 mAh का बैटरी है, तो मैंने इसमें 3 बैटरी लगाया है, 6000 mAh का बैटरी बन गया और इसका वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। और मैं इस PCB सर्किट में कनेक्ट कर चुका हूँ और इसके बाद बैटरी का एक बार चेक कर लेता हूँ इंडिकेटर। और मैं आपको इस PCB का टॉर्च जला कर दिखाता हूँ, इस स्विच को शॉर्ट करते हैं। टॉर्च जल गया, इसको फिर शॉर्ट करता हूँ। ये बंद हो गया, ये टॉर्च हमारा काम कर रहा है। बैटरी लगाने पर ये शो होता है और मैं आपको लाइट ऑफ करके अब दिखाता हूँ टॉर्च। ये हमारा टॉर्च जल गया। और एक बार मैं स्विच को ऑफ करके देखता हूँ, ये हमारा स्विच खराब हो चुका है, इसको शॉर्ट करके जला रहा हूँ। और ये हमारा बैटरी का इंडिकेटर दिखा रहा है, इसमें 3 LED जल रहा है, इसका मतलब यह है कि बैटरी 75% चार्ज है। और मैं आपको मोबाइल के चार्ज से इसको चार्ज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इस टॉर्च को ऑफ कर लेते हैं शॉर्ट करके। ये स्विच ऑफ हो गया, अब ये इंडिकेटर जल गया, आप देख सकते हैं।
स्विच को प्रेस करने पर इंडिकेटर जल जाता है, तो पता चल जाता है कि कितना परसेंट चार्ज है। तो बैटरी हमारा 75% चार्ज है और मैं आपको मोबाइल के चार्जर से चार्ज करके दिखाऊंगा। ये मैंने चार्ज जैक लगा लिया है ये USB को। अब ये मोबाइल के चार्जर से मैं आपको इस बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा। तो आप स्विच ऑन करते हैं, ये आप देख सकते हैं अब चार्ज हो रहा है इस बैटरी का। इस बैटरी को मैं टेस्ट करके रखा हूँ, टेस्ट करने के लिए रखा हूँ, क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी लाइट, पावर बैंक, ब्लूटूथ स्पीकर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रिपेयर के लिए आते हैं, तो चेक करने के लिए इसको बनाया हूँ। तो इस PCB में चेक हो जा रहा है। ये हमारा पावर बैंक का मॉड्यूल सर्किट है, उसको चेक करने के लिए इस बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें दो चीज़ ख़राब है जो मोबाइल को चार्ज करते हैं, USB पॉइंट और मैं इस PCB का स्विच इस कर लेता हूँ। ये हमारा स्विच दिया गया है, स्विच 1 लिखा है। आप इसको चेक करके इसको भी लगा लूँगा, USB चेक को। ये हमारा PCB सर्किट ओके कंडीशन में, बस दो कंपोनेंट खराब है, एक स्विच और USB फीमेल जैक। और मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इस दोनों को लगाकर बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही पता चले। धन्यवाद।